आगर के बैजनाथ महादेव मंदिर के समस्त पंडितों ने मंदिर समिति के मैनेजर पर मंदिर में पूजा नहीं करने के आरोप लगाए हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए समस्त पंडित आगर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और मैनेजर पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर सर्वेश यादव को दिया गया। आगर के बैजनाथ महादेव मंदिर के समस्त पंडितों द्वारा आगर के बैजनाथ महादेव मंदिर में पदस्थ मैनेजर रमेश चंद सिलोदिया के खिलाफ आगर कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन बताया कि मैनेजर द्वारा पंडितों को मंदिर में पूजन पाठ नहीं करने दिया जाता है और विरोध करने पर मैनेजर द्वारा पंडितों से बदतमीजी से बात की जाती है। पंडित ने बताया कि वह वर्षों से मंदिर में ही पूजन पाठ करते आ रहे हैं, लेकिन अब मैनेजर द्वारा उन्हें पूजन पाठ नहीं करने दिया जा रहा है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ज्ञापन दिया गया है, क्या पूरा विषय? हम सभी ब्राह्मण देवता बैजनाथ धाम से आए हैं, जो परंपरा अनुसार वहाँ कई वर्षों से पूजन पाठ अनुष्ठान इत्यादि अपने निर्विघ्न संपन्न करते आ रहे हैं। पिछले 15 दिन से हम बहुत भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रख के और मन मार के बैठे हुए थे। वहाँ जो मैनेजर साहब हैं, उनका ये कहना है कि मेरे पास आदेश है कि आप पंचामृत पूजन अभिषेक कुछ भी नहीं करेंगे, ना ही यहाँ सभा मंडप बैठ के कोई अनुष्ठान पूजन पाठ वगैरह करेंगे। जब हमने उनसे पूछा कि अगर आपको SDM साहब का माननीय महोदय किसी अधिकारी का कोई आदेश हो तो बताएं, तो आदेश भी नहीं बताते हैं और जो ब्राह्मण देवता वहाँ बैठते हैं उनको हाथ पकड़ पकड़ के उठा उठा के बाहर करते हैं। क्या आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं? यहाँ दर्शनार्थियों को दिक्कत आती है, हजारों दर्शनार्थी आते हैं बैजनाथ धाम में दर्शन करने के लिए। किसी भी दर्शनार्थियों को ब्राह्मण देवताओं के बैठने से या पूजन पाठ करने से कोई आपत्ति नहीं है। एक दो कुछ भगत हैं जो विघ्न संतोषी हैं और जो भी हो भगवान भोलेनाथ भी उनको सद्बुद्धि दे, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जो ब्राह्मण परंपरा अनुसार वहाँ पूजन अनुष्ठान करते आ रहे हैं वो निर्विघ्न संपन्न होता रहे, क्योंकि संकल्प होने के बाद में अगर कर्म नहीं होता है तो कर्म का दोष ब्राह्मण को लगता है। तो हम उस दोष से बचें और हमने जो अनुष्ठान का संकल्प लिया वो निर्विघ्न श्रावण मास और अधिक मास में संपन्न हो जाए, बस उसी को लेकर के हम माननीय कलेक्टर महोदय से यह ज्ञापन देने के लिए आए थे और कलेक्टर महोदय से विशेष निवेदन है कि शीघ्रता से इसका निवारण करें, नहीं तो हम ब्राह्मण देवता वैसे एक समय भोजन कर रहे हैं और इकट्ठे हो जाएंगे कि 2 महीने और बिना निराहार रह करके और भगवान भोजन बनी जलपान वगैरह सब त्याग करके और बैठे आमरण अनशन पे और मेन गेट पे बैजनाथ बाबा का वहीं बुला करके अनुष्ठान करेंगे और जो हमसे बनाएगा वो करेंगे, पर ये निवेदन करना है। आगर से ग्रुप एडिटर दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।